Hi students, good evening everyone. Welcome to the class. How are you all? So we are back again with the sample paper discussion. Those who have already joined the class, do tell me in the comment section kaun kaun aa chuka hai class mein. Mujhe comment section mein bata do. Yeah. So students, I am Tamsa Tyagi, your biology educator. I've done my masters in biochemistry and bachelor's zoology se ki hai. ठीक है, रिसर्च एक्सपीरियंस रहा है एम्स से. एंड आई बीन टीचिंग स्टूडेंट्स लाइक यू फॉर मोर देन फोर इयर्स नाउ इन बोथ सीबीएसई एंड नीट. या सो लेट्स जस्ट क्विकली प्रोसीड एंड मूव टूवर्ड्स द सैम्पल पेपर डिस्कशन. एंड आई नो यू पीपल या करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं. अभी जो आप एक्चुअली जिस बात को आज डिस्कस करना चाह रहे हो वो भी करेंगे. ठीक है, हाय कियारा, वेलकम अच्छा, वेलकम वैष्णवी, हाउ आर यू, शिवम वेलकम. चलिए, हाँ जी, देखो बच्चे ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है. ठीक है, दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और इसी चैनल के ऊपर आज ही मैंने आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट अपडेट दी है. आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू दैट. यस, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अपडेटेड विद दैट थिंग. सबको समझ में आ गया है, सबको पता चल गया है. या बट लेकिन बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, देखो बच्चों, ठीक है, जो भी डिसीजन लिया गया है इट हैज बीन टेकन फॉर यू पीपल. हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुहानी. जस्ट टू कंसिडर द हेल्थ एंड एवरी थिंग, एंड हेल्थ इज ऑब्वियसली द फर्स्ट प्रायोरिटी इन एनी बडीज लाइफ. And it should be in your case also. When we talk about the students, the future, the youth, health is something which is very important. And इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये decision लिया गया है. But I'm telling this again and again, अपने time को waste मत करना. आपको पता है exam तो देने ही है ना, अभी नहीं तो चलो बाद में. और समय मिल रहा है तो समय को जितना अच्छे से utilize कर सकते हो उतना करो. ठीक है, बर्बाद तो हमने किया ही है काफी. ठीक है, बहुत टाइम हमने वेस्ट किया, लेकिन अब जो ये हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, लेट्स जस्ट मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. व्हाट से, यस, तो हम अपनी जो भी हमारी सीरीज थी उसको कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है, जो हमारी सीरीज जैसे चल रही थी वो वैसे ही चलेगी. हाँ, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलना, वेयर यू आर गेटिंग द लाइव क्लास एनवायरमेंट, यू इंटरेक्ट विद योर एडुकेटर्स. या और अपना एक अच्छा तरीका पढ़िए. ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है ठीक है बच्चों, फाइन. And these are the Unacademy packages, the subscription packages that are available for you. और यहाँ पर बच्चे आपको किसी भी पैकेज पे अगर आप टैमन जीरो कोड अप्लाई करते हैं आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाता है. ठीक है, ऑल राइट, तो लेट्स जस्ट कॉन्टिन्यू. आइकॉनिक की अगर हम बात करें तो बच्चे आइकॉनिक में आपको अपने लिए एक पर्सनल कोच मिलता है, और ये पर्सनल कोच आपको हेल्प करता है ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम. फाइन, सो दे विल बी हेल्पिंग यू आउट. अभी समय है आप लोग आइकॉन, तो अभी आप लोग, मैं सजेस्ट करूंगी 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिससे आपके पास अब समय भी काफी है. अगर सीबीएसई एग्जाम टले है तो नीट एग्जाम भी पोस्टपोन होंगे, है ना. सो दैट इज वाई यू आर हैविंग इनफ टाइम टू क्रैक योर एग्जाम्स. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द आस्क अ डाउट फीचर, आस्क अ डाउट फीचर भी आप लोगों के लिए यहाँ पर इन हैंडी दे दिया गया है, जहां पर आप किसी भी समय अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक द पिक्चर ऑफ योर डाउट. ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा उसकी पिक्चर आपको क्लिक करनी होगी, चूज इट फ्रॉम द गैलरी, एंड आफ्टर दैट सिलेक्ट द सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट आपको वहां पे चूज करना है आप उसको कर सकते हो. इट कुड बी मैथ, साइंस, ठीक है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एनी सब्जेक्ट इट कुड बी. चूज द सब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन द व्यू सॉल्यूशन, यू विल गेट द इमीडिएट सॉल्यूशन. या सैम्पल पेपर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड.
या स्टूडेंट्स रेडी एवरीवन? फाइन, सो अभी हम कल का सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं पहले. आई थिंक वी हैव द डी पार्ट लेफ्ट देयर, है ना? अभी हमारे पर सैम्पल पेपर 3 का डी पार्ट बचा है, तो पहले हम थर्ड सैम्पल पेपर का डी सेक्शन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ वन. ठीक है. हाई चाहत सुहानी, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू. एंड यू कैन टेक अ सेकेंड टू शेयर द सेशन विद द फ्रेंड्स ऑल्सो. या वी आर स्टार्टिंग इट नाउ, एंड आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दिस एंटायर सैम्पल पेपर आई विल शेयर दिस सैम्पल पेपर विद यू पीपल ऑल्सो. ठीक है, मैं शेयर भी कर दूंगी इस सैम्पल पेपर को. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट. यस, हाँ जी. तो सेक्शन डी 5 नंबर का होता है और 5 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने आ चुके हैं. पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस. हाँ जी बच्चे, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हार्मोनल रेगुलेशन कैसे देखा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, बता सकते हो आप लोग किस तरह का हार्मोनल रेगुलेशन देखा जाता है? यस, हाँ जी. सबसे पहले क्या होता है कि आपके जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, वहां से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है. ठीक है, दिस इज बीइंग रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. और आप लोगों ने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हाइपोथैलेमस रिलीजेस ईदर द रिलीजिंग हार्मोन्स और द इनहिबिटिंग हार्मोन्स. फाइन, ये यहां से रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस से. इसके बाद में क्या होगा, यहाँ बच्चे एंटीरियर पिट्यूटरी जो है आपका, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से देयर विल बी द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स. एंड द गोनाडोट्रोफिन्स आर व्हाट? द एलएच गोनाडोट्रोफिन्स यहाँ से रिलीज होंगे एंड दे विल बी रिलीज बाय द पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी स्पेसिफिकली, टू बी मोर स्पेसिफिक. या and your gonadotrophins are what? LH and FSH, that is luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. Fine, ये पता है आप सभी को. बच्चे जो LH होता है, यानी कि आपका luteinizing hormone है, it will stimulate the Leydig cells. ये क्या करता है, ये आपके Leydig cells को जाके target करता है. target cells इनके Leydig cells होते हैं and they will cause the release of the androgens from there. ठीक है, यहाँ से Leydig cells जो होंगे ये इनको target करेगा and from here the androgens will be released. Fine, the androgens will be released by the Leydig cells. And if we talk about the sperm, FSH क्या करता है, ये आपके Sertoli cells को जाके target करता है. और सर्टोली सेल्स में इट कॉजेस द रिलीज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स देयर. ठीक है, ये क्या करेगा, ये सर्टोली सेल्स को जाके टारगेट करता है और यहां से कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं. फाइन, अब ये जो एंड्रोजेंस होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्म. यस एब्सोल्युटली नीरज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मे फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, ये क्या करते हैं, एंड्रोजेंस आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस यहाँ पर कराते हैं. ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट दी, अगर हम बात करें आपके ये एफएसएच की, सो इट इज कॉजिंग द रिलीज ऑफ दीज फैक्टर्स फ्रॉम द सर्टोली सेल्स व्हिच इन नियर फ्यूचर विल कॉज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. यहाँ पर आपका स्पर्मियोजेनेसिस होता है. ठीक है बच्चे, ये एकदम फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप बता सकते हो. एंड जब मैंने आपको थियरी कराया था वहां पर आपने देखा था ये पूरा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट था. हाय क्रिशु, वेलकम बच्चा. ठीक है, क्लियर है सभी को? यस और नो बच्चों, इज इट क्लियर? फाइन, ठीक है, ऑल राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इट्स सेइंग draw the diagram of a human sperm and label and write the functions of the component of its head. तो ये हमने आज ही सुबह ही डिस्कस किया था, कर लोगे? ठीक है, डायग्राम बनाना है आपको, लेबल करना है और वहां पे सबके फंक्शन को मेंशन करना है. तो हेड बता देना, हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, एक्रोसोम होता है. ठीक है, इनके फंक्शन बता देना. न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. एक्रोसोम कॉजेस द पेनिट्रेशन इनसाइड द ओवम. देन यू हैव द मिडल पीस जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है,
द माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट विच प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द मोबिलाइजेशन या मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म एंड द टेल पार्ट इट कॉजेज द मोटिलिटी. ठीक है, इट्स लाइक अ फ्लैजेला इन द सेल एंड इट कॉजेज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. फाइन, यस, हाई श्रेया बच्चे, वेलकम. ठीक है, इसमें एक और करके क्वेश्चन दिया है जिसके तीन पार्ट्स हैं. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग अ डायोशियस प्लांट स्पीशीज फॉर प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स. बच्चे, प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में क्या डायोशियस प्लांट स्पीशीज का कोई स्पेसिफिक फायदा होता है? या एब्सोल्युटली अभिषेक, इज देयर एनी स्पेसिफिक लाइक एडवांटेज ऑफ द डायोशियस? या बताइए बच्चों फटाफट से. हाँ जी, डायोशियस का मतलब क्या है? इट विल बी हैविंग बोथ द मेल एंड फीमेल पार्ट और द मेल ईदर द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट. क्या होएगा खुद बताओ आप लोग, क्या होता है इस केस में? यस, इट विल ईदर हैव द मेल पार्ट और इट विल हैव ईदर द फीमेल पार्ट. सो सच फ्लावर्स आर व्हाट? दीज आर यूनिसेक्सुअल, है ना? क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं. ठीक है, यस. एंड आफ्टर दैट बच्चे, या उसके बाद में आपका नेक्स्ट, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं यहाँ पर तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी इजिली प्रिवेंटेड. सो दिस इज द वेरी फेमस बेनिफिट ऑफ चूजिंग अ डायोशियस प्लांट. यस, एब्सोल्युटली कृषु. द नेक्स्ट इज हाउ वुड यू प्रोसीड टू द क्रॉस पॉलिनेट अ मोनोशियस फ्लावर. हाँ जी, अगर हमें किसी मोनोशियस फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेट करना होगा, हाउ वुड यू प्रोसीड? हाउ वुड यू स्टार्ट विद इट? यस, हाउ वुड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट? Emasculation required, okay. Then after that, अभी मैंने आज पढ़ाया है आपके न्यू बैच के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया था ये सेम चीज. Artificial technique, absolutely. Hi Trupti, good evening bacha. So the very first step would be what? Emasculation, then bagging, उसके बाद cross pollination, then rebagging, and after that tagging. ठीक है, ओके. सो इफ यू वॉन्ट टू राइट टैगिंग यू कैन, अदरवाइज इट्स नॉट मेंशन इन द एनसीईआरटी. इफ यू डोंट राइट नोबडी वुड कट योर मार्क्स. ठीक है, फाइन, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा. या नेक्स्ट पार्ट इज ड्रॉ अ लेबल्ड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द टीएस ऑफ एन एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म. कैन यू ड्रॉ अ लेबल्ड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द टीएस ऑफ एन एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म? टीएस of an anther. हाँ जी, इट्स गिवन इन द एनसीईआरटी. क्या बना दोगे? सारी लेयर्स मेंशन कर देना, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा आपका. ठीक है, बीच में आप यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम दिखा देना, चार. फाइन, ये यहाँ चारों लेयर्स बता देना कौन कौन सी है. बाहर वाली योर एपिडर्मल लेयर. ठीक है, एपिडर्मिस. Then you have endothecium, then you have middle layer, fine. ये सारी layers mention कर देना. Middle layer, then you have the tapetum, ठीक है, okay, and the microsporangium in the between. Absolutely, yes. चलिए अगला question. Certain phenotypes in the human population are spread over a gradient and reflect the contribution of more than two genes. Mention the term which is used for the type of the inheritance and also describe it with the help of an example in the human population. Yes, certain phenotypes in the human population are spread over a gradient and they reflect the contribution of more than two genes. हाँ जी, ये reflect करते हैं contribution of more than two genes. What is it talking about? Polygenic inheritance, absolutely. So we can assume any example here. For example, the skin color, it is controlled by the three genes, that is ABC.
ओके, इसके अंदर आपके ए बी सी तीनों ही जीन्स क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों जीन्स क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। एंड इसमें जो रिसेसिव होते हैं बच्चे, सो द डोमिनेंट वंस दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क कलर, या एंड योर ए बी एंड सी दीज आर फॉर द लाइट कलर, यस, लाइटर पिगमेंटेशन, लाइट कलर, ओके, सो या एब्सोल्यूटली। एंड द जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट एलील्स, मतलब यहाँ पर क्या होएगा, जो एकदम डार्केस्ट स्किन कलर होगा उस, क्या आप बता सकते हो उसका जीनोटाइप क्या होने वाला है? इफ एनी ह्यूमन बींग इज हैविंग द मोस्ट डार्केस्ट कलर, स्किन कलर, वट इज गोइंग टू बी द जीनोटाइप? एब्सोल्यूटली क्रिशु, वेरी नाइस। सो डार्केस्ट कलर का सारे उसके अंदर डोमिनेंट एलील्स होंगे, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, कैपिटल सी। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द लाइटेस्ट कलर, हाँ, सबसे लाइटेस्ट फेयरर कॉम्प्लेक्शन जो होगा, इनका एलील्स क्या होने वाले हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ठीक है एवरीवन, क्लियर है, ठीक है, ओके। सो द जीनोटाइप जिसका इंटरमीडिएट कलर होएगा, एकदम डार्क और लाइट के एकदम बीच वाला कलर, क्या उसका जीनोटाइप बता सकते हो? या यस, इंटरमीडिएट कलर कैसा होने वाला है? तो आई डोंट हैव ए बी बी सी सी, एब्सोल्यूटली नॉट, या एब्सोल्यूटली, ठीक है, आई हैव दिस वन, आई हैव दिस वन इंटरमीडिएट वन, ओके, हाँ जी, चलो ठीक है बच्चे, फाइन, एंड इट डजंट मैटर, एवरी कलर इज ब्यूटिफुल बाय द वे, या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समराइज द प्रोसेस बाय विच द सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज डिटरमिन्ड यूजिंग द मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर। यस, डू यू रिमेम्बर देयर वॉज दिस प्रोसेस, जो फ्रेडरिक सैंगर ने एक मेथड डेवलप किया था जिसकी वजह से सीक्वेंसिंग की गई थी डीएनए की, कैन यू नेम दैट मेथड? हाँ, डीएनए सीक्वेंसिंग, ऑल राइट, यस, दैट इज द सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड, एब्सोल्यूटली, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना, हम क्या करते हैं कि पहले तो पूरे ह्यूमन जीनोम के फ्रैगमेंट्स को ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद में हर एक छोटे छोटे रीजन्स की हम क्या करते हैं, सीक्वेंस निकालते जाते हैं बाय ओवरलैपिंग द रीजन्स। एंड मैंने जब थ्योरी क्लास ली थी, मैंने पूरा आपको कलर कोड से समझाया था कि किस तरह से ओवरलैपिंग होती है, अगर आप लोगों ने मेरी वो क्लास अटेंड की थी, है ना, एब्सोल्यूटली। सो इट हेल्प्स इन द सीक्वेंसिंग ऑफ द डीएनए, सो देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर, सो यू नीड अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम फॉर इट, अ कंप्यूटर प्रोग्राम वेयर इट कैन बी डन, फाइन। कैन यू नेम अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड हूज डीएनए हैज बीन कंप्लीटली सीक्वेंस्ड? क्या आपको कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म पता है विच इज अ प्री, विच इज अ नॉन पैथोजेनिक एंड बट फ्री लिविंग नेमाटोड, और इसका भी डीएनए सीक्वेंसिंग कंप्लीटली कर दिया गया है? वेरी हाय आदित्य, वेलकम बच्चे, या ओके, थैंक यू सो मच आदित्य। हाँ जी बच्चे, व्हाट इज इट, क्या है ये? सी एलिगेंस सुना है सबने? हाँ, एब्सोल्यूटली, इट इज सी एलिगेंस, वेरी नाइस, सी एलिगेंस बच्चा, सी एलिगेंस, ओके, इट्स मेंशन इन द एनसीईआरटी आल्सो। व्हाट इज एन एज पिरामिड? आज ही हम लोगों ने डायग्राम क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। एज पिरामिड क्या होते हैं, जहां पर हम अलग अलग एज ग्रुप्स के बेसिस पे ह्यूमन पॉपुलेशन को एक स्टडी करते हैं, एक पिरामिड के फॉर्म में, है ना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। एंड यू हैव टू नेम थ्री रिप्रेजेंटेटिव काइंड्स ऑफ द एज पिरामिड्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एंड लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच वन ऑफ देम। यस बच्चे,
हाँ जी बताइए। यस, कैन यू नेम द थ्री रिप्रेजेंटेटिव्स? या वेरी इजी पीजी वन, तीन रिप्रेजेंटेटिव्स आपके एक्सपैंडिंग, यू देन हैव स्टेबल वन एंड देन यू हैव डिक्लाइनिंग। या तो आप इनको एक्सप्लेन कर दो या बेस्ट तरीका डायग्राम ड्रॉ कर दो, ठीक है? फाइन, ऑल राइट, यस, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, हाँ जी, देन स्टेबल एंड देन यू हैव व्हाट, डिक्लाइनिंग। क्लियर है? फाइन, सो दीज आर द थ्री एज पिरामिड्स। नेक्स्ट, ओके, सो नाउ वी हैव फिनिश्ड अप विद दिस सैंपल पेपर थ्री। हमने सैंपल पेपर थ्री की डिस्कशन खत्म कर लिया है। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका जिसको हमने कल करना स्टार्ट किया था। एक छोटी सी न्यूज है आप लोगों के लिए। तो बच्चों, अन अकेडमी कॉम्बैट आ रहा है, यू कैन स्टिल एनरोल योर सेल्फ इन दिस टू विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज। या एंड देखो बच्चे, यहाँ पर आपका ये जो कॉम्बैट होता है ना, ये वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट चलते हैं। एंड दिस कॉम्बैट, अन अकेडमी कॉम्बैट, इज द इंडियाज बिगेस्ट कॉन्टेस्ट फॉर द सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट्स। सो यू कैन ऑल्सो एनरोल योर सेल्फ। यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है एंड द सब्जेक्ट्स यू कैन चूज फॉर योर सेल्फ आर द मैथमेटिक्स एंड साइंसेस। और ये आपके दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, इंग्लिश भी हिंदी भी। 60 मिनट का, 1 घंटे का ये पेपर होने वाला है। ओके, हाय सुनीता, वेलकम बच्चा, ठीक है? इट्स गोना बी, हाँ जी, ये यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर होएगा। यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग, 30 चैलेंजिंग क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा बस दिमाग लगा के आपको करना होगा, दैट्स इट। यू विल गेट 2 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, या फाइन। एंड यस, आपको यहाँ ऑल टाइम अपनी ऑल इंडिया रियल टाइम में अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग्स भी पता चल जाएंगी। रियल टाइम का मतलब होता है तुरंत, ठीक है? आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग्स पता चल जाएंगी बच्चे, AIR आपको पता चलेगा आप कॉम्पिटिशन में कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है? सो या डेफिनेटली यू शुड ट्राई विद दिस, ओके, एंड एनरोल योर सेल्फ एंड ट्राई टू गिव दिस एग्जाम। चलिए अब हम नेक्स्ट बायोलॉजी सैम्पल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। So our next sample paper that we will be discussing is the fourth sample paper. ठीक है? Fine. क्या बच्चे, is the timing of the lecture change? No, we are having the same timing of the lectures जो हमारी हो रही थी, ठीक है? Why same timing चल रही है lectures की? Yeah, we are having the 11 AM lecture and 7 PM lecture for those students who are the 2021 aspirants of the board exam. And 5 PM session for the new batch. So these are the timing. अगर किसी को नहीं पता है या कंफ्यूजन हो रही है, यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीन शॉट एंड या यू कैन गेट एक्सेस टू द टाइमिंग्स, ओके? ऑल राइट, चलिए, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन ए स्टार्ट कर रही है एंड दिस इज फॉर 1 मार्क। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, नेम द टाइप ऑफ द फ्रूट एप्पल इज कैटेगराइज्ड अंडर एंड व्हाई। हाँ जी बच्चे, हम एप्पल को, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 लाइन या 1 वर्ड में आपके आंसर्स होने वाले हैं, बहुत लंबे चौड़े आंसर्स नहीं होंगे, ठीक है? बताओ बच्चों, नेम द टाइप ऑफ द फ्रूट एप्पल इज कैटेगराइज्ड अंडर एंड व्हाई। व्हाट डू वी कॉल द एप्पल एज? फॉल्स फ्रूट, एब्सोल्यूटली करेक्ट। और क्यों कहते हैं, व्हाई भी बताने आपको। Why do we call it as false fruit? Because it is not formed from the ovary, but it is formed from some other part of the flower, and that is specifically, अगर apple की बात करें तो ये thalamus से बनता है, ठीक है? तो that is why it's a false fruit. Clear? चल, mention 2 other examples which belong to the same category as apple. Can you also mention any other 2 examples which belong to the same category as apple? So basically you have to give 2 more examples of the false fruit. Hanji, can you recall it? Strawberry, very nice. Anything else? 2 examples you have to give. Aur kya hai? Cashew. Absolutely. NCERT mein diya hai. Strawberry and cashew. Theek hai? Absolutely correct. Chaliye. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। लेट मी जस्ट क्विकली राइट इट डाउन, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ द पॉली एम्ब्रियोनी एंड एम्ब्रियो ए डेवलप्स फ्रॉम द सिनर्जिड्स एंड द एम्ब्रियो बी डेवलप्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, स्टेट द प्लॉयडी ऑफ एम्ब्रियो ए एंड बी. सो इट्स सेइंग पॉली एम्ब्रियोनी के केस के अंदर क्या हुआ है, एम्ब्रियो ए जो है इट हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द सिनर्जिड्स, ठीक है, ये सिनर्जिड से बन के आया. और जो एम्ब्रियो बी है ये किससे बना है बच्चे, इट हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूसिलस. कैन यू टेल द प्लॉयडी ऑफ बोथ द इन बोथ द केसेस, या दोनों की प्लॉयडी बता सकते हो? हाँ जी बच्चे, एन किस केस में है थोड़ा उसको इलैबोरेट करके बताओ. हाय हरीश वेलकम बच्चे. हाँ जी, बोथ आर डिप्लॉयड, यू श्योर? आर यू श्योर? या बोथ आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड? दोबारा सोचो. ए हैप्लॉयड होएगा ना बच्चे, ठीक है. देखो मैं अगर वापस से आपको रिकॉल कराऊं, वेन वी टॉक अबाउट योर या आपका जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, याद आ रहा है, एक फंक्शनल मेगा स्पोर होता है बच्चे. आदित्य प्लीज लेट अदर स्टूडेंट स्टडी हियर, ठीक है. यहाँ पे बाकी बच्चे पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, यू कैन मूव इन सम अदर कॉमेंट सेक्शन, फाइन. फंक्शनल मेगा स्पोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग योर मेच्योर एम्ब्रियो सैक. तो कहने का मतलब है ये मेच्योर एम्ब्रियो सैक आपका फंक्शनल मेगा स्पोर से बना है, और फंक्शनल मेगा स्पोर कैसा था, हैप्लॉइड था, है ना. ये आपका हैप्लॉइड था जो कि आपके मेगा स्पोर मदर सेल के मियोसिस होने के बाद फॉर्म हुआ था, है ना. मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी विच वॉज डिप्लॉयड, इट वेंट अंडर द मियोटिक डिविजन एंड वहां से चार मेगास्पोर बने थे, मेगास्पोर टेट्राड वॉज फॉर्म्ड. एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेट्राड यहाँ पर आपके जो मेगास्पोर्स फॉर्म हुए थे दोज वर फंक्शनल. सो दिस वन इज हैप्लॉइड, ठीक है, ये आपका हैप्लॉइड है. और इससे जो भी चीज बनेंगे दैट विल बी हैविंग द हैप्लॉइड सेल्स अंटिल एंड अनलेस एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड द फ्यूजन इज हैपनिंग. सो आपका ये मेच्योर एम्ब्रियो सैक के जितने भी पार्ट्स होंगे, चाहे एंटीपोडल्स हो, चाहे सिनर्जिड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पोलर न्यूक्लाई हो, सबकी प्लॉयडी कैसे होने वाली है, हैप्लॉयड होने वाली है, ठीक है. तो अगर एक हैप्लॉयड से एक एम्ब्रियो बन रहा है डायरेक्टली बिना किसी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुए, कुछ भी नहीं हुआ, कोई फ्यूजन नहीं हुआ, सो इफ दिस इज हैप्लॉयड दिस विल बी ऑल्सो हैप्लॉयड. देखो मैंने पूरी आपको स्टोरी समझा दी है स्टार्टिंग से लेके अभी तक. एम्ब्रियो ए कैसा होने वाला है, हैप्लॉइड होएगा, ठीक है. एंड इफ वी टॉक अबाउट एम्ब्रियो बी, एम्ब्रियो बी कैसा है बच्चे, ये न्यूसिलस से डायरेक्टली फॉर्म हुआ है. तो न्यूसिलस तो पहले से ही डिप्लॉयड था, तो आपका एम्ब्रियो बी कैसा होने वाला है, एम्ब्रियो बी विल बी डिप्लॉयड, ठीक है. एम्ब्रियो बी इज डिप्लॉयड, क्लियर, यस और नो? बच्चे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में यही डिफरेंस होता है, जो हैप्लॉइड होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का सेट जो होता है वो हाफ होता है, ठीक है. जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम बात करें क्रोमोसोम का सेट कितना होता है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नॉर्मली जितने भी सेल्स होते हैं द क्रोमोसोम नंबर इज गोइंग टू बी 46, ओके, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, फाइन. And this is known as diploid condition. इसी को हम diploid condition बोलते हैं. Haploid के केस में क्या होता है, the chromosome number become, the chromosome set is half. Okay? यानी कि आपका 46 का half हो गया, it becomes 23. Yes? So that is haploid. Clear है ये बात? Yes? Okay. Next question. Name an IUD that you would recommend to promote the cervix hostility to the sperms. Hanji, what kind of IUD can promote the hostility to the sperms? The cervix becomes hostile in this case. Hanji. So you have three types of IUDs. One is the copper releasing, another one is the hormone releasing. Yeah.
ठीक है, तो बताओ तीन टाइप में से कौन सी यहाँ पर आपके आईयूडी जो है इट एक्ट्स और इट, ओके यू आर गिविंग द एग्जाम्पल लिपिज लुप प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूटली ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग आईओडी का कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, कॉपर टी, कॉपर सेवन, ठीक है, यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल एब्सोल्यूटली. व्हेन डू ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट इन ह्यूमन फीमेल्स एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली. हाँ जी बच्चे, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है मेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर कब स्टार्ट होता है, व्हेन डज इट स्टार्ट, एंड सिमिलरली ओजेनेसिस कब स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स के अंदर. चलो बताओ फटाफट से. यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो जो आपका ओजेनेसिस होता है वो फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, जितने ओगोनिया बनने होते हैं वो फीटस के अंदर ही बन जाते हैं, ठीक है. और जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल्स में वो सिर्फ प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, एब्सोल्युटली. यस, सो इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. एंड इफ वी टॉक अबाउट द ओजेनेसिस, हाय निकित, गुड इवनिंग. सो इट स्टार्ट्स व्हेन द फीमेल इज इन अ फीटल स्टेज, ठीक है बच्चे, क्लियर है? फाइन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स इन द इंडिविजुअल्स विद द टर्नर सिंड्रोम. हाँ जी बच्चे, जिनके अंदर टर्नर सिंड्रोम होता है वहां पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट इज सीन इन सच इंडिविजुअल्स, कैन यू टेल दैट? या इट्स कंप्लीटली फाइन आदित्य, नो प्रॉब्लम. चलो ठीक है, आगे बढ़ो और आंसर करना स्टार्ट कर दो फटाफट से. Yes, state the chromosomal defects in individuals with Turner syndrome. Okay, what type of karyotype does it have? Can you tell? Kis tarah ka karyotype hota hai yahan pe? It is the monosomy of the X chromosome. One of the X chromosome is absent. So total chromosomes kitne hote hai yahan pe? How many total chromosomes are there in such a female? That is 45. ठीक है, 44 ऑटोसोम्स होंगे और सिर्फ एक आपका एक्स क्रोमोसोम होता है, दिस इज द कैरियोटाइप, ठीक है, एब्सोल्युटली. एंड या सो यू जस्ट हैव टू टेल द क्रोमोसोमल डिफेक्ट. अगर यहाँ पे वो पूछा जाता कि ऐसे इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तब आप वहां पे बताओगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू टेल. फाइन, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. Who developed a graphical representation of a genetic cross called Punnett square? हाँ जी, graphical representation जो है genetic cross का, जिसे हम Punnett square कहते हैं, उसको किसने develop किया है? नाम में ही answer है. हाँ चलो बता दो, let's see कौन answer करेगा. Punnett square किसने बनाया भाई, किसने develop किया है? Very simple simple question. Yeah, it is R.C. Punnett. Very nice. R.C. Punnett. Absolutely correct. Ekdam sahi. Let's proceed to the next question. So, yeah, name the condition in vertebrates where the body attacks self-cells. हाँ जी, I think ये हमने कल भी discuss किया था, है ना? हाँ जी, बताइए. ऐसी कौन सी condition होती है जहां पे बॉडी जो है अपने सेल्फ सेल्स को क्या करती है, डैमेज करने लगती है. व्हाट इज सच कंडीशन नोन एज? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. फाइन, एन एग्जाम्पल यू ऑलरेडी नो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है. तो देखो एग्जाम्पल अगर नहीं भी लिखते हो तो आपको सिर्फ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लिखना है, इसी का पूरा वन नंबर मिलेगा, नोबडी विल कट योर मार्क्स, ठीक है. नेक्स्ट इज, स्टेट द रोल ऑफ द सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन. व्हाट इज द रोल ऑफ सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन?
जी यस। सी पेप्टाइड का क्या काम होता है ह्यूमन इंसुलिन के अंदर, कोई काम होता है उसका? हाँ मुझे क्लाइन फिल्टर्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 हो जाते हैं, वहां पर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, वन एक्स क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा देयर। ओके एक्स क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा एंड सच अ कैरियोटाइप हैज 44 ऑटोसोम प्लस योर एक्स एक्स वाई, ठीक है, एंड इट हैपेंस इन मेल्स। फाइन सच अ कंडीशन इज क्लाइन फिल्टर्स। हाँ जी, सो सी पेप्टाइड क्या करता है ना बच्चे, ये आपका इनएक्टिव बनाता है इंसुलिन को। आपने देखा होगा इंसुलिन जब इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है उस टाइम पे आप सी पेप्टाइड वहां देखते हो। सो बेसिकली इट कीप्स द इंसुलिन इनएक्टिव। सो वेन एवर इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी इट स्टेज इन एन इनएक्टिव फॉर्म। वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड द सी पेप्टाइड विल बी रिमूव फ्रॉम देयर एंड इट इज कन्वर्टेड इन टू एन एक्टिव इंसुलिन हॉर्मोन, ठीक है फाइन। चल आगे बढ़ते हैं। नेम टू एंजाइम्स दैट आर एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यस नेम टू एंजाइम्स दैट आर एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन से एंजाइम जरूरत होते हैं आरडीटी बनाने के लिए? हाँ जी बताइए बच्चे। बच्चे द क्वेश्चन इज नेम टू एंजाइम्स दैट आर एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन आरडीटी। यस यू नीड एन यू नीड अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, सो एज टू मेक अ कट देयर एंड यू नीड द लाइगेज एंजाइम। पॉलीमरेज भी लिख सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, यू कैन राइट एनी टू, ठीक है, यू कैन राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ द योर एंजाइम्स, ठीक है, तो कोई भी दो एंजाइम्स लिख देना, ठीक है फाइन। यू कैन राइट एनी टू एंजाइम्स। आई एम राइटिंग हियर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड डीएनए लाइगेज, ठीक है। Now let's move on to the next question. Why is it not possible for an alien DNA to become the part of a chromosome anywhere along its length and replicate normally? बच्चे जो एलियन डीएनए होता है उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो किसी भी क्रोमोजोम का पार्ट बन जाए, एनी वेयर इट कैन गेट यू नो इनकॉर्पोरेटेड एंड रेप्लीकेट नॉर्मली। ऐसा क्यों नहीं कर सकता एक एलियन डीएनए? हाँ हमें क्यों प्लाज्मिड की जरूरत पड़ती है, हम डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं एलियन डीएनए को डाल सकते हैं और वो जीनोमिक डीएनए के साथ जाके कंबाइन हो जाए, हाँ, और वहां पे जाके रेप्लिकेशन करने लग जाए, ऐसा भी तो हो सकता था। हाँ जी बताओ फटाफट से। यस व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एब्सोल्युटली इट्स सो लॉन्ग, ओके इट्स सो लॉन्ग फाइन। या देखो आपका जो डीएनए होता है, ठीक है, एलियन डीएनए इट शुड बी लिंक्ड टू अ साइट फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन हैज टू स्टार्ट, ओके, उसको एक जगह चाहिए होती है, एक स्टार्टिंग साइट चाहिए होती है जहां से वो रेप्लिकेशन कर सकता है, और वो साइट उसको कहाँ मिलती है? प्लाज्मिड के अंदर मिलती है, ओराई में। इट गेट्स दैट साइट इन द ओराई, ओके, दैट ओराई हेल्प्स इन इट्स रेप्लिकेशन फाइन, क्योंकि क्रोमोसोम में ऐसी कोई साइट नहीं होती, ऐसा कुछ ओरिजिन नहीं होता जहां से वो रेप्लिकेशन को शुरू कर सके, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम एनीवेयर, ओके। हाँ जी नेक्स्ट इज एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आ गया है, एंड एसर्शन रीजनिंग में मैं आपको वापस से यहाँ पर वो नहीं बता रही कि आप ए बी और सी डी कब मार्क करते हो, आई थिंक आप सभी को पता है, ठीक है। एसर्शन रीजनिंग में ए आप कब मार्क करते हो? जब एसर्शन भी सही होता है, रीजन भी सही होता है, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। बी आप कब मार्क करते हो? जब ए सही है, रीजन भी सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
सी आप मार्क करते हो व्हेन ए इज करेक्ट बट द रीजन इज रॉन्ग, एंड डी आप मार्क करते हो जब ए भी गलत है और रीजन स्टेटमेंट भी गलत है. ठीक है, तो यहाँ पे तो यू आर हैविंग दिस क्वेश्चन हियर. असर्शन सेज थर्मस एक्वाटिकस इज यूज्ड इन पीसीआर टेक्निक एंड रीजन इज सेइंग इट इज अ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. ए, सबको ये लग रहा है? यस, एब्सोल्युटली. देखो बच्चे, असर्शन एकदम सही है कि आपका थर्मस एक्वाटिकस जो होता है पीसीआर में इसको यूज किया जाता है. रीजन इज इट इज अ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. ओके, एंड यस, क्योंकि हीट स्टेबल है इसीलिए इसको पीसीआर में यूज करें. सो द करेक्ट आंसर इज ए, एब्सोल्युटली, वेरी नाइस. नेक्स्ट इज assertion says, बच्चे आपको दिखाई दे रहा है कि मैं zoom करूं, should I zoom the question? चलो मैं zoom कर रही हूँ. assertion पढ़ लो मेरे साथ साथ में. BT toxin are released as inactive crystals in the bacterial body. Reason says, it is converted into an active protein due to the alkaline pH of the gut of the vulva. हाँ जी, पढ़ लिया सबने? चलो लेट्स सी, व्हाट डू यू थिंक, इज इट असर्शन और रीजन? क्या लगता है ये क्या है, असर्शन है या रीजन है? यस, असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, क्या लगता है? हाँ जी, ओके. सम आर सेइंग ए, नीरज इज सेइंग ए. बीटी टॉक्सिन आर रिलीज्ड एज इनएक्टिव. क्या बच्चे, जो टैग पॉलीमरेज जो होता है ना वो हीट स्टेबल इसीलिए तो है क्योंकि वो इस बैक्टीरिया का पार्ट है. योर थर्मस एक्वाटिकस इज अ हीट स्टेबल बैक्टीरिया. ओके फाइन, इट्स अ थर्मोफाइल. आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, आपके कुछ आर्की बैक्टीरिया करके कैटेगरी होती है. ठीक है, जिसके अंदर आपके कई तरह के ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह लेते हैं, जैसे एक्सट्रीम अल्कलाइन कंडीशन, बेसिक कंडीशन, यू नो अल्कलाइन एंड बेसिक इज सेम ओनली. एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन जहां सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है एंड टेम्परेचर बहुत ज्यादा होते हैं. थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स, ओके, भूल गए, ये बैक्टीरिया है और क्योंकि ये इसी बैक्टीरिया का पॉलीमरेज है इसीलिए ये भी जो पॉलीमरेज है ये भी हीट स्टेबल है. सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि भाई पॉलीमरेज हीट स्टेबल होते हैं, बैक्टीरिया नहीं होता. बैक्टीरिया हीट स्टेबल है तभी तो वहां का पॉलीमरेज हीट स्टेबल है, समझे? ठीक है, या हाउ डू आर्की बैक्टीरिया डाई? अच्छे, बैक्टीरिया नेवर डाई, पढ़ा है ना आप लोगों ने. बैक्टीरिया के अंदर क्या चलता रहता है? फ्यूजन होता रहता है. हाँ, बैक्टीरिया तो पैदा ही इमॉर्टल हुआ है. हाँ जी, ठीक है, अमीबा हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये नहीं मरते कभी, इनके अंदर बाइनरी फ्यूजन होता रहता है. चलो, बीटी टॉक्सिन आर रिलीज्ड एज इनएक्टिव क्रिस्टल्स इन द बैक्टीरियल बॉडी. ये स्टेटमेंट सही है, एब्सोल्युटली, एंड द रीजन इज इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव प्रोटीन दैट इज ड्यू टू द alkaline pH of the gut of the vulva. Absolutely. But देखो, reason कहीं से भी assertion को explain नहीं कर रहा. वो convert हो रहा है एक active protein में. ठीक है, BT toxin are released as inactive crystals. कहीं से कोई link नहीं है, कहीं से कोई explanation नहीं है. The correct answer is B here. ठीक है, correct answer is B here. हाँ जी सुनीता, इतना चौक क्यों गए? हमने discuss किया है ये. हाँ, natural death नहीं होती है bacteria के अंदर. ठीक है, क्वेश्चन भी आ सकता है. Assertion is saying, Saheli is considered as an improved form of contraceptive for human females. Reason says, it is a non-steroidal preparation and is once a week pill. क्या है ये? Once a week pill है. बताइए बच्चों, क्या इसमें assertion statement सही है, क्या reason statement सही है, और क्या रीजन यहाँ पे assertion को एक्सप्लेन कर रहा है? यस, इट इज ए, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट. देखो,
assertion ने एकदम सही लिखा है कि सहेली जो है इट्स एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, एंड इसीलिए क्योंकि ये एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है और वंस अ वीक पिल है, इसीलिए एक ये इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रासेप्टिव का तरीका है. सो द करेक्ट आंसर इज ए हियर. Assertion is also correct, reason is also correct, and the reason is explaining the assertion also nicely. Next is, assertion is saying hemophilia is an autosomal disorder, and the reason says a hemophilic father can never pass the gene for the hemophilia to his son. हाँ जी, let's see इसको कौन answer करेगा. Yes, बच्चों बताओ फटाफट से, what is correct here? हाँ, क्या सही है क्या गलत है? B, सुनीता is saying B. Okay. बच्चे हीमोफिलिया पक्का ऑटोसोमल डिसऑर्डर है. कहां से? हीमोफिलिया ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? नो ना, assertion is absolutely wrong. It's a sex-linked disorder, X-linked disorder है ये. And what about the reason? रीजन कह रहा है कि हीमोफिलिक फादर कभी भी जो है हीमोफिलिया को अपने सन में पास नहीं कर सकते. क्या ये बात सही है? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. यस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली रॉन्ग. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. ठीक है, अगर मदर जो होती है वो अफेक्टेड होती है और फादर भी आपका अफेक्टेड है, तब सन के अंदर जो है द जीन कैन बी पास फ्रॉम द मदर, सॉरी फ्रॉम द फादर, सॉरी ठीक है, फ्रॉम द हीमोफिलिक फादर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो यू हैव दिस क्वेश्चन, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ गया. बच्चों ध्यान से पढ़ना पहले तो इस क्वेश्चन को. डू यू वॉन्ट मी टू जूम द क्वेश्चन? यस, चलिए जूम कर देती हूँ. सो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सीवेज इज जनरेटेड एवरीडे इन सिटीज एंड टाउन्स विच इज ट्रीटेड इन सीवेज treatment plants, that is STPs, so as to make them less polluted. Given below is a flow diagram of one of the stages of the STP. Observe the given flow diagram. Is flow diagram ko dekho acche se. Kya likha hai? Pehle likha hai primary effluent is passed into the large aeration tank and then the effluent is passed into the settling tank to form the sediment. Theek hai? Iske basis pe क्या बच्चे, इसके बेसिस पे क्या होएगा? द एफ्लुएंट इज, यस द एफ्लुएंट पास इनटू द सेटलिंग टैंक टू फॉर्म द सेडिमेंट. हाँ जी, एब्सोल्युटली सुनीता, यस यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट. ठीक है, या तो या एब्सोल्युटली फाइन. यही लिखा था ना? हाँ जी. So why primary effluent is passed into the large aeration tanks? Yes, क्यों primary effluent को pass किया जाता है large aeration tanks में? What is the reason behind that? Why primary effluent is passed into the large aeration tanks? What is the reason behind that? Reason क्या होता है? क्या आवाज नहीं आ रही? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? Am I audible students? Yeah. Do you want me to zoom the question? Okay. So it says why primary effluent is passed into large aeration tanks. हाँ जी बताइए क्या reason होता है? For sedimentation. Okay. Anybody else? अच्छा, aeration tank के अंदर sedimentation थोड़ी होती है. एरेशन टैंक के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, फ्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं. हाँ, जो कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं. तो प्राइमरी एफ्लुएंट को अब एरोबिक डाइजेशन के लिए इस एरेशन टैंक के अंदर डाला जाता है ताकि माइक्रोब्स जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर सके. सिंपल. Yes, absolutely, Krishu. Next part is write the technical term used for the sediment form. जो यहाँ पर sediment form होता है उसके लिए क्या technical term हम use करते हैं? What is the technical term that is used here? हाँ जी, it's mentioned in the NCRT. Activated sludge. Okay, we use the term activated sludge. Fine. Next is
राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ द अबव सेडिमेंट फॉर्म. हाँ जी, ये जो एक्टिवेटेड स्लज यहाँ फॉर्म होता है, क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? इज देयर एनी सिग्निफिकेंस? हाँ जी, इज देयर एनी सिग्निफिकेंस बच्चा? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सम ऑफ द एक्टिवेटेड स्लजेस. यस, इसको हम इनोक्युलम की तरह यूज करते हैं. ठीक है, इसको हम इनोक्युलम की तरह यूज करते हैं एंड वापस से वी आर ट्रांसफरिंग दिस बैक इनटू व्हाट. इसको जब नई रिएक्शन एरेशन टैंक के अंदर हमें वापस से अपनी रिएक्शन को कराना होता है, तब हम वहां पर इसको इनोक्युलम की तरह यूज करते हैं. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस. डी पार्ट इज, हाँ जी, डी पार्ट इज एक्सप्लेन द फाइनल स्टेप दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस इन द लार्ज टैंक बिफोर द ट्रीटेड एफ्लुएंट इज रिलीज इन टू वॉटर बॉडीज. हाँ जी बच्चे, कैन यू एक्सप्लेन द फाइनल स्टेप दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस इन द लार्ज टैंक बिफोर द ट्रीटेड एफ्लुएंट इज रिलीज इन टू वॉटर बॉडीज? यस, फाइनल स्टेप क्या होता है, एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ, विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन इट? यू हैव टू टेल द डाइजेशन इज हैपनिंग वेयर द बायोगैस इज बीइंग फॉर्म्ड एंड वहां पर एक गैसेस का मिक्सचर फॉर्म होता है. कौन कौन सी गैसेस होती है? मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस वहां फॉर्म होती है और मिलके क्या बनाती है? बायोगैस. ई पार्ट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग वॉज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ. हाँ जी, जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्रोडक्शन की फ्रॉम द काउ डंग, इट वॉज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ वॉट? इट्स एन एमसीक्यू क्वेश्चन, चलो जल्दी से आंसर कर दो. इज इट फर्स्ट गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, थर्ड इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? थर्ड, एब्सोल्यूटली करेक्ट. हाँ जी बच्चे, वेरी नाइस, दिस इज करेक्ट. इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ओके, यू हैव एन नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. So Rajesh is doing this gel electrophoresis to purify the DNA fragments. Given below is the sketch, जो भी उसने परफॉर्मेंस किया है इस तरह से, उसका वेल जो है वहां पर जब उसने डाला तो उसका जेल जो है कुछ इस तरह नजर आ रहा है. इसके बेसिस पे आपको आंसर करने हैं. मार्क द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स. हाँ जी बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स मार्क कर दोगे? यस, पॉजिटिव टर्मिनल इज This A side is going to be your negative terminal, जहां पर DNA को डाला जा रहा है, that is towards the wells, and जिस तरफ आपके DNA जा रहे हैं, this particular side is the positive terminal. ठीक है, mark कर देना बच्चे, बहुत ही आसान सा पार्ट है ये. Next it's saying, at which end he would have loaded the samples and where? कौन से एंड पे सैंपल्स को लोड किया है? ए पे किया है कि बी पे किया है? बताइए बच्चे, सैंपल्स किधर लोड किए गए हैं, ए साइड पे कि बी साइड पे? देयर हैव बीन द सैंपल्स लोडेड या ए साइड? वेरी नाइस, क्योंकि ए साइड पे वेल्स प्रेजेंट है ना, तो वाई में वेयर क्या लिखोगे? इन द वेल्स. ओके, इन द वेल्स सैंपल्स हैव बीन लोडेड इन द वेल्स. What is the criterion for DNA fragments moving on agarose gel during the gel electrophoresis? हाँ जी बच्चे, एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया है. क्राइटेरिया क्या होता है कि DNA fragments जो है they are moving towards your towards the positive end or the DNA fragments are moving on the agarose gel, उसके पीछे क्या? हाँ जी, द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स. पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव टू द फार्दर एंड, नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव. बताइए क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड की फोर्थ? किस वजह से डीएनए फ्रेगमेंट जो है मूव कर रहे हैं? हाँ, स्मॉलर द फ्रेगमेंट, farther it
मूव्स, एब्सोल्यूटली, वेरी नाइस, ठीक है, क्लियर है, ओके, सो इट इज योर सेकेंड पार्ट, फाइन, ओके. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पूछा जा रहा है बच्चे, या इट्स आस्किंग इलेबोरेट द स्टेप्स ही वुड हैव फॉलोड टू विजुअलाइज द डीएनए बैंड्स. डीएनए बैंड को विजुअलाइज करने के लिए क्या किया गया होगा बच्चे? पहले तो उसने डीएनए के अंदर ईटीबीआर डाली होगी, ठीक है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन होने के बाद वहां पर उन डीएनए बैंड्स को यूवी रेज के अंदर एक्सपोज किया होगा, तभी उसको अपने डीएनए बैंड्स विजिबल हुए होंगे, ठीक है बच्चे. एंड द बैंड्स आर लुकिंग ऑरेंज इन कलर देयर, ठीक है, ऑरेंजिश बैंड्स वहां पे देखने को मिलते हैं. यस, एब्सोल्युटली हर्ष. लास्ट पार्ट इज, हाउ आर द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स फाइनली आइसोलेटेड. फाइनली जब पूरा सेपरेशन हो चुका है, डीएनए बैंड्स को भी देख लिया, इसके बाद में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हाउ विल द डीएनए फ्रेगमेंट्स बी फाइनली आइसोलेटेड, और यू कैन से सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूजन. वेरी नाइस, ठीक है, इल्यूजन प्रोसेस से फाइनली वहां पे डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया जाएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आई थिंक इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन. सेक्शन बी के क्वेश्चन आ गया कुछ. एक क्वेश्चन यहाँ दिया है, अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन अ फ्लावरिंग प्लांट मे पोजेस 7 सेल्स बट 8 न्यूक्लियाई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है, और उसमें आपको ये दिखाना है कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर किस तरह से 7 सेल्ड कंडीशन होती है, लेकिन न्यूक्लियस वहां 8 होते हैं. बता दोगे? हाँ, 3 एंटीपोडल्स होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं बच्चे, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, यस, एंड यू हैव 1 सेंट्रल सेल एंड यू हैव 1 एग सेल. सो दिस मेक्स, ये क्या बनाते हैं आपके, 7 सेल्स बनाते हैं. टोटल सेल्स आर 7 हियर, बट न्यूक्लियस यहाँ पे 8 क्यों है, क्योंकि इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. तो सबके न्यूक्लियस ऐड कर दो, 1, 2, 3, यस, ये आपके 3 एंटीपोडल्स हो गए, सिनर्जिड्स के 2 हो गए, 5, एग सेल का 1 और 2 पोलर न्यूक्लियाई, इट मेक्स 8 न्यूक्लियस. डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट्स इट, डायग्राम बनाना है बस, ठीक है. यस, एब्सोल्युटली प्रज्ञा. कैन यू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर सकते हो? यस और नो? विल यू बी एबल टू ड्रॉ द डायग्राम? आपको वहां पे वही अपना एनसीईआरटी वाला डायग्राम बना देना, एक बीच में हिस्टोन प्रोटीन दिखा देना, ठीक है, उसके अराउंड आपका डीएनए ऐसे कॉइल होता हुआ दिखा देना. यहाँ पे चाहे तो आप H1 आपका हिस्टोन भी दिखा सकते हो, ठीक है, विच इज गाइडिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द डीएनए, दैट्स इट, बस यही आपका हिस्टोन का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको डिस्क्राइब कर देना, इसके बारे में बता देना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. नेम द गैस रिलीज्ड एंड द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर पफिंग अप ऑफ द ब्रेड डो व्हेन द सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिया इज एडेड टू इट. यानी बेकर्स ईस्ट को अगर जब हम ऐड करते हैं तो वहां पर आपकी ब्रेड जो है उसका नेचर पफी क्यों होता है? व्हाट इज द गैस प्रेजेंट देयर? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एंड द प्रोसेस इज हैपनिंग देयर इज, क्या हो रहा है वहां पे, हाँ, फर्मेंटेशन प्रोसेस इज हैपनिंग देयर. जहां पे आपके कोई भी शुगर होती है बच्चे, उसका ब्रेक डाउन चल रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड यू गेट दी इथेनॉल, और इथेनॉल के साथ साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो होती है वहां पर, इट इज कॉजिंग द पफीनेस ऑफ द ब्रेड, ठीक है, या एंड दैट्स द रीजन इट इज यूज फॉर द बेकरी आइटम्स. बेकरी आइटम्स हो गया आपका भटूरा हो गया, है ना, डोसा हो गया, इडली हो गया, इन सारी चीजों को पफी बनाने के लिए दिस ईस्ट हैज बीन एडेड, इसीलिए इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल द नेमिंग ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. हाँ जी बच्चे, नेमिंग बतानी है. इको आर1 का एग्जांपल देके बता देना. ई यहाँ पर एस्चेरिचिया के लिए है, ठीक है, विच इज द जीनस,
CO इज फॉर कोलाई, या विच इज द स्पीशीज योर. देन आर यहाँ पे क्या होते हैं, दैट्स द स्ट्रेन. एंड यहाँ पर कौन सा स्ट्रेन होता है आपका, RY13 स्ट्रेन. एंड ये जो न्यूमेरिक्स होते हैं, रोमन नंबर्स होते हैं, ये बताते हैं कि कौन सा आपका एंजाइम पहले, मतलब जिस नंबर के बेसिस पे उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, वो रोमन नंबर उसके आगे लगा दिया जाता है. ठीक है, कर दोगे ये? यस. ठीक है बच्चे, क्लियर है. नेम द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ टैग पॉलीमरेज. हाँ जी बच्चे, टैग पॉलीमरेज का सोर्स क्या होता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ टैग पॉलीमरेज, या टैग पॉलीमरेज का सोर्स क्या होता है भाई? हाँ जी, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया. ठीक है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया. एंड अगर हम इसके स्पेसिफिक रोल की बात करें ऑफ दिस एंजाइम इन द पीसीआर, तो पीसीआर के अंदर कितना भी हाई टेम्परेचर हो, है ना, टेम्परेचर वहां चाहे कितना भी हाई हो, तो वो ये जो थर्मस एक्वाटिकस से हमने ऑब्टेन किया हुआ है इस पॉलीमरेज को, ये वहां पर आपके डिग्रेड नहीं होता है हाई टेम्परेचर में. एंड इट इज हेल्पिंग एफिशिएंटली इन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर, इन ऑल द रिएक्शंस ऑफ द पीसीआर. ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देना बच्चे, 2 मार्कर में है ये क्वेश्चन. यस, इट्स थर्मोस्टेबल. व्हाई डू पीपल सफर फ्रॉम ऑल्टीट्यूड सिकनेस आफ्टर रीचिंग द हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स? यस, Why do people suffer from altitude sickness? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, और धीरे धीरे क्या होएगा वहां पर, बेसिकली यू विल नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड आपके बॉडी का जितना मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है, तो आपको वहां पे वॉमिटिंग, नोजिया, ये सारी कंडीशन होने लगती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, इवन कभी कभी जो मसल्स होती है वो भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है. तो ऐसे केस में हमारी बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट करना, यानी कि एक्लिमेटाइज करना शुरू करती है. हमें कम से कम 1 या 2 दिन लगता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये हर एक ह्यूमन पे. यस, ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग ह्यूमंस में डिपेंड करता है कि किस तरीके से, हाँ जी, वहां पर वो काम करेंगे. फाइन, yes, absolutely, to get more oxygen there they will try to increase the production of RBCs. वहां पे erythropoiesis का process बढ़ जाता है. erythropoiesis यानी कि production of RBCs increases. yes, RBCs वहां पे बढ़ जाएगा और धीरे धीरे हमारा हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ेगा. ऑब्वियसली आरबीसी बढ़ा है तो हीमोग्लोबिन बढ़ गया, और यहाँ पर हमारी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है ना, ज्यादा हीमोग्लोबिन, ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी. सो मोर हीमोग्लोबिन, मोर बाइंडिंग कैपेसिटी, एंड मोर ऑफ द ऑक्सीजन कैन बाइंड इन आर हीमोग्लोबिन और इन आर बॉडी नाउ. एंड इसको और कंपेंसेट करने के लिए हमारा ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है. तो इस तरह से बच्चे मेटाबॉलिज्म हम अपना चेंज करते हैं बॉडी का, और वी ट्राई टू एक्लिमेटाइज व्हेन वी गो इन अ रीजन विच इज हैविंग हायर ऑल्टीट्यूड्स लाइक योर माउंटेनियस रीजन्स. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया. गिव टू रीजन्स एज टू व्हाई अ वीड सच एज कैलोट्रोपिस फ्लरिशेस इन एन अबंडेंट फील्ड. हाँ जी बच्चे, कैलोट्रोपिस इतना क्यों फ्लरिश कर जाती है, ऐसा क्या खास बात है कैलोट्रोपिस की? हाँ, कि कैलोट्रोपिस इतना ज्यादा फ्लरिश कर जाती है. यस, व्हाट इज इट, क्या है, क्या ये कैलोट्रोपिस क्या है? देखो ये कैलोट्रोपिस क्या होती है. यस, एब्सोल्युटली, इट हैज नो प्रीडेटर. वेरी नाइस. और प्रेडेटर क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होते प्रेडेटर? क्योंकि ये खुद बहुत ज्यादा पॉइजनस ग्लाइकोसाइड्स जो है उनको सिक्रीट करती है. ठीक है, ये क्या करती है, पॉइजनस ग्लाइकोसाइड्स सिक्रीट करती है. इसीलिए आप देखोगे इनको खाने के लिए कोई कैटल जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, एंड दैट इज द रीजन ये इतना फ्लरिश कर जाती है और इतना अबंडेंटली फील्ड्स में प्रेजेंट होती है. एब्सोल्युटली करेक्ट हर्ष. Yes, very nice. चलिए नेक्स्ट इज, ओ
That was the last question. I thought there are more questions. Okay, so ye yes, bache cardiac glycosides produce karti hai, absolutely. ठीक है बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन था एंड हम लोग देखो अभी अपनी तैयारी करते रहेंगे. आई नो बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं लेकिन आप लोग पढ़ाई करना मत छोड़ो. मैं तो आज ही देख रही हूँ बच्चे गायब है. हाँ न्यूज आई नहीं कि बच्चे अपना शांति से बैठ गए हैं. कल तक इतनी भीड़ थी क्लास में. व्हाट इज हैपनिंग बच्चों, इतना तो मतलब फायदा उठाएगा. मैंने आपको कहा है कि अपने टाइम को कंज्यूम करो, इस्तेमाल करो इस टाइम को सही जगह पे. ठीक है ओके. आई नो यू हैव गॉट अ वेरी गुड न्यूज बट इट्स नॉट वेरी गुड न्यूज. यू सी द अदर पार्ट ऑफ दिस साइड, यू आर वेस्टिंग योर टाइम नाउ. ठीक है, तो अगर आप इस चीज को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो यू विल यस, ये भी आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है. पढ़ाई करो जितना हो सकता है. ठीक है, टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होगा. फाइन, चल ठीक है बच्चे. सो इट्स टाइम टू एंड द सेशन. बाय एवरीवन. यस, कल मिलेंगे 11 बजे. ठीक है, 11 बजे वाले सेशन में आना मत भूलना. बाय.